फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो अनेडियम के लिए है। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अनेडियम लगाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है और इसकी केयर करना काफ़ी इजी है। ये देखिए, ये मेरा अनेडियम 15 साल का हो गया है। ये आज शायद आपने पहले पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये काफ़ी बड़ा था, इसके टहरियाँ नीचे काफ़ी झुक गई थी। तो रिपोर्टिंग तो मैं हर साल करती हूँ इसकी, लेकिन मैंने इसकी फुल कटिंग अब की बार की। इसके बाद देखिए, इसका कॉर्टेक्स और बढ़ गया। ये देखिए, और इस पर फूल देखिए कितने सारे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पास अनेडियम की काफ़ी वैरायटी है। ये नीचे लगा हुआ है, ये मेरा वाइट अनेडियम है। ये मैंने अनेडियम की कटिंग लगाई थी, देखिए कितना अच्छा इसका कॉर्टेक्स है, सब पे फूल आते हैं। तो कहना ये चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि अनेडियम को लगाना इतना मुश्किल नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी केयर करना बहुत इजी है। मैंने अपने अनेडियम में आज तक कभी भी कोई भी कैसी भी दवाई नहीं डाली है, कोई खाद नहीं डाली है, कोई NPK नहीं डाला है, मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है। मैंने इसे जब भी रिपोर्ट करती हूँ बस तभी मैं इसमें खाली गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट या रेत डालती हूँ बस। और फिर मैं इनको बाकी प्लांट्स की तरह ही मैं इनकी केयर करती हूँ। और प्लांट्स में मैं डेली ही पानी डालती हूँ, तो इनमें भी ही पानी डालती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे इनकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए देखिए, इतना छोटा है और कितने इसमें फूल हैं। ये मैंने अभी सेल के लिए डाला था तो ये काफ़ी बड़ा था, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की और इसकी टहनियाँ काट दी। अब इसमें फूलों के गुच्छे देखिए आप। ये तो अभी बारिश और आंधी हमारे यहाँ आई थी तो ये आधे से ज़्यादा गिर गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अनेडियम लगाना चाहते हैं तो उनको और प्लांट्स की तरह ही उनकी केयर कीजिए, कोई एक्स्ट्रा केयर की उन्हें ज़रूरत नहीं है और ये आराम से हो जाते हैं। और प्लांट्स का ये है कि आप इन्हें बच्चों की तरह प्यार करिए, जितना प्यार करेंगे उतना ही ये फले फूलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी मेरे पास काफ़ी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। और अगर आप और कुछ बहुत कुछ जानना चाहते हैं इनके बारे में, किस लॉकडाउन पीरियड में मैं अपनी जो खाद की पूर्ति है मैं अपने पेड़ों में कैसे कर रही हूँ, तो मुझे लिखिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू।